गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करना है इसको देखेंगे। तो आज का हमारा इंटीग्रेशन का मेथड है द्वारा समाकलन। क्लियर? तो हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी छात्र देखें कि इनको क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, तो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। तो हम यहां देखते हैं यह इंटीग्रेशन का मान जो है किसके बराबर है, हो जाएगा यहां पर देखिए 2x इंटू डी एक्स, ये दिख रहा है आपको 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी के बराबर। यहां देखिए 2x इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर क्या रख दिया हमने, डी टी, और नीचे क्या रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, और इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि 1 अपॉन टी इंटू डी टी, 1 अपॉन टी किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग टी प्लस सी। अब हम टी का मान वापस रिप्लेस कर देंगे, टी किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां लॉग एक्स इक्वल टी, तो लॉग टी इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो यह इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, यहां देखिए लॉग एक्स को टी माना तो टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल इसको डी टी लिख दीजिए, डी टी इंटू डी टी। अब हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है डी एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम यहां पर देखते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहां पर माना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टी, तो डी टी इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहां देखते हैं कि इसको हमने टी माना है, तो ये 1 बाय टी हो गया, और डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन करने पर लॉग टी प्लस सी। लॉग टी, टी की वैल्यू आप वापस रिप्लेस कर दो, तो यहां हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी किसको माना है,
तो यहाँ पर आप log और t का मान क्या दिया हुआ है, 1 प्लस log x, तो यहाँ t का मान रख दीजिए 1 प्लस log x प्लस c, यह आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। हमको इसमें इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डीएक्स इसको सॉल्व करना है। तो हम यहां पर मानेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टी, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x और x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0 dx। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन निकल गया, क्लियर। तो ये बचेगा 2x प्लस 1 इंटू dx, तो यहाँ आ जाएगा रूट टी इंटू डी टी, तो 2 ये हो जाएगा टी की पावर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन 1 बाई टू प्लस 1 प्लस सी। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 3 बाई टू और यहाँ 3 बाई टू प्लस सी। तो 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और t की पावर t इंटू रूट टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3। t का मान वापस रिप्लेस कर दीजिए, t किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 12 इसको देखते हैं। तो हमको यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 1/3 एक्स की पावर 5 dx, तो हम यहां पर एक्स क्यूब माइनस 1 इसको t मान लिया, तो कितना हो जाएगा dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्लियर, इंटू dx। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम इसको एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब इंटू dx, ठीक है, दो पार्ट्स में कर लेंगे क्योंकि एक्स की पावर 5 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1/3 और एक्स स्क्वायर इंटू dx और एक्स क्यू का मान कितना होगा, यहाँ देखिए एक्स क्यू का मान, यह जो मान है एक्स क्यू, इसका मान हो जाएगा t प्लस वन और एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर इंटू dx का मान होगा dt अपॉन 3। इसको आप अंदर ले जा करके t की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका t की पावर 1/3 प्लस 1, क्योंकि दोनों को इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा यहां पर t की पावर 1/3 और 1/3 को बाहर ले आए और यहां dt। अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप इंटीग्रेशन करिए इसका, तो यहां आ जाएगा 1/3
टी की पावर 1/3+1 और इसको 1/ कितना हो जाएगा जी, जी 1/3+1 3+1 4/3 तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 upon 4/3+1 और यहाँ कितना हो जाएगा टी की पावर 1/3+1 upon 1/3+1 प्लस सी। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करते हैं तो 1/3 यहाँ रहेगा और ये हो जाएगा टी की पावर 7/3 और ये हो जाएगा 7/3 है तो 3 यहाँ रहेगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखते हैं तो 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब 1/3 को आप अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर 7/3 1/7 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब हम यहां क्या करेंगे टी का जो मान था ओरिजिनल उसको रिप्लेस कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1/7 टी का मान क्या था हमने एज्यूम किया था x³-1 की पावर 7/3 1/4 x³-1 4/3 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ओके तो आज मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए इस एक्सरसाइज के, तो बाकी जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के होंगे तो आप इनको इन्हीं नियम के आधार पर इसको प्रैक्टिस करिए और हमको चेक कराएंगे। ओके थैंक यू।